नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है भूपेंद्र। मेरा नाम है विनय कंबोज। और आज हमारे पास है निसान मैग्नाइट। और ये निसान मैग्नाइट भाई ब्लू कलर की फिर से आ गई है विनय। ये भाई थोड़ा सा चेंज है, पहले हमने ड्राइव की थी सेम इसी कलर की, पर उस टाइम जो हमारे पास थी ना वो 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन था और मैनुअल ट्रांसमिशन था। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे AMT ऐड की है, तो अभी ये हमारे पास जो आई है ये AMT ट्रांसमिशन है, और AMT जो है सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ मिलता है। हाँ, क्योंकि टर्बो के साथ आपको CVT मिलता है, और यहाँ अब इन्होंने AMT दे दिया है। और इस गाड़ी को ना भाई मैं ड्राइव कर रहा हूँ कुछ दिन से, लगभग 4-5 दिन हो गया मुझे इसको ड्राइव करते हुए, और विनय के हाथ मैंने लगने नहीं दी क्योंकि सरप्राइज़ पैकेज रखना था मुझे विनय के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। सो आज इसका हम ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं। इसका वॉक अराउंड हमारे चैनल पर ऑलरेडी डल गया है, तो विनय ने इसके फीचर्स वगैरह अगर आपको देखने हैं तो वॉक अराउंड वीडियो पे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप जा सकते हैं और सारे फीचर्स वगैरह देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली जो है ना, एक तो विनय का थोड़ा सा ड्राइव जैसे करेगा, इसका एक एक्सप्रेशन हमने नोट करना है कि इसको कैसी लगी गाड़ी, और कुछ डिस्कस करेंगे हम इस सेगमेंट के बारे में और इस तरह के इंजन के बारे में और इस ट्रांसमिशन के बारे में। सो विनय चले भी ड्राइविंग सीट के लिए तैयार बिल्कुल। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि लेटेस्ट जितने भी वीडियोस आएंगी सारों के नोटिफिकेशन आप तक आएँ। और कोशिश भी करेंगे कि हम इस गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ कंपेरिजन करें, तो उसकी भी हम ट्राई करेंगे जरूर, अगर कुछ ऐसा बनता है। वॉक अराउंड भाई ने बता दिया कि वॉक अराउंड देखना चाहो तो आप देख सकते हो। अब चलो जल्दी से इसकी ड्राइव पर चल पड़ते हैं और देखते हैं कि कैसी है ये चलाने में, जिसको निसान जो है इजी शिफ्ट बोलता है। इजी शिफ्ट बोलता है पर जिसका देसी भाषा में अगर बोल दे AMT ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पे मिलता है। तो देखेंगे कि कैसा AMT का रिस्पांस है इस 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के बारे में। और अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि ये स्टैंडर्ड है सभी के अक्रॉस, बाकी प्राइस वगैरह की जो बातें हैं ना वो अंदर बैठ के करते हैं। सो विनय चल भाई ड्राइविंग सीट पे। सो पहले की देख लो आप, कुछ इस तरह की मिलती है, लॉक अनलॉक और यहाँ पे निसान का लोगो। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि एक्सेस बटन मिलेगा आपको इधर ड्राइवर साइड भी और को ड्राइवर साइड भी, तो यहाँ से इसको प्रेस करोगे आपकी गाड़ी लॉक और यहीं से प्रेस करोगे तो अनलॉक हो जाएगी। ओपनिंग जो है वो ठीक है, तो आप कंफर्टेबली जो है अंदर एंटर कर पाएंगे। और यहाँ पे जो है ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, और ड्राइव पे चलने से पहले सीट बेल्ट ज़रूर लगाओ, तो सीट बेल्ट हम लगा लेते हैं। सो विनय की जो हाइट है ना वो 5'11" है, मेरी हाइट है 5'8", तो विनय जो है ना वो सब मतलब एक एवरेज बढ़िया हाइट है विनय की, तो इस हिसाब से सबको पता लग जाएगा। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। सो वहाँ विनय ने जो पैर रखा है ना, ये देखो यहाँ पे, ये इसका साइड में एक स्टेप दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये एक AMT है तो क्लच और वो दिया है। ये भूपेंद्र भाई मुझे ना हमेशा से थोड़ा ना ये कंजेस्टेड लगता है ये पोर्शन जो है ना इनका, क्योंकि ये जैसे यहाँ आप देखोगे ना, वैसे तो ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, लेकिन जब मैनुअल भी है ना तो थोड़ा ये कंजेस्टेड फील होता है। मैनुअल में तो ये इशू था। हाँ बिल्कुल था ये, तो यहाँ तो फिर भी थोड़ा है लेकिन ये कंजेस्टेड फील होता है थोड़ा। चलो ये AMT है तो इस चीज़ से तो थोड़ा बच जाएंगे। यहाँ पे लेदर रैप स्टीयरिंग वगैरह दिया गया है अंदर से। अब मैं अंदर चलता हूँ और फिर ड्राइव करते हैं शुरू। सबसे पहले तो भाई एक चीज़ क्या है, एक बार दोबारा दिखाता हूँ, ये मैंने अब बंद कर दी और अब इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो जब तक उधर से वो कार चल के ऐसे चली नहीं जाएगी ना, तब तक ये वाली गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है स्टार्टिंग में। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट जो है टिल्ट आपको मिलता है, मतलब अप डाउन आप कर सकते हो। और सामने क्लस्टर जो है आपको ये मिलता है यहाँ पे 7 inches का, तो ये डिजिटल क्लस्टर आपको मिलेगा इधर की तरफ। इंजन टेम्परेचर गेज और फ्यूल गेज वगैरह वो सब सामने दिखाता है। चलो भूपेंद्र भाई चलो जी। तो ये मैंने डाल दिया, इसने लगाया गियर, अब देखना एकदम। तो स्टार्टिंग तो ठीक लगी भाई मेरे को, ठीक लगी। हाँ थोड़ा सा जो वो आवाज आई वो सुना तूने? आवाज तो थोड़ी सी है पर स्टार्टिंग मेरे को ठीक लगी। ठीक है। और अब थोड़ा सा गियर वगैरह का रेशो बताइयो, क्योंकि अब ये जैसे AMT ट्रांसमिशन है तो गियर जब चेंज हो रहा है ना तो पता लग रहा है। सो इस सेगमेंट में और भी कारें आती हैं भूपेंद्र भाई सेम AMT ट्रांसमिशन के साथ में। हाँ। उनका ट्रांसमिशन जो है AMT मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्यून्ड है, तो यहाँ ट्यून्ड इसलिए लगता है विनय मुझे जो फील हुआ ना, क्योंकि मैं इतने दिन से इस गाड़ी को चला रहा था, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये ना थोड़ा वेट इस गाड़ी का उस सेगमेंट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है ना।
तो मेन चीज क्या है ना, इसका हमें देखना पड़ेगा पंच के साथ क्या हिसाब किताब है। पंच के साथ भी जब आप देखोगे ना, तो मैंने जहाँ जितने ड्राइव किया और जितना मुझे ध्यान आ रहा है, तो पंच के साथ भी जब कंपैरिजन करोगे ना, तो कहीं ना कहीं इससे बेहतर फील होता है वो मेरे हिसाब से। क्योंकि हमने पंच एएमटी को, उन्होंने हमें जब बुलाया था उसके लॉन्च पे, जब वहाँ हमने उसको उन्होंने थोड़ी ऑफ रोडिंग टाइप वो कराया था, और एक उसके साथ वो ट्रैक्शन वाला जो उन्होंने एक वो दिया था, है ना, ट्रैक्शन कंट्रोल काफी अच्छे से कुछ उन्होंने वो ना उस पे कराया था, स्लिपरी रोड पे आइस आइस वो कुछ वो रखी हुई थी ना एक, है ना, आइस का कुछ रखा हुआ था उन्होंने, और उस हिसाब से जो कराया था हमारे साथ, तो वो एक अलग से उन्होंने फील दिया था कि ये एएमटी में काफी एक अच्छा पंच वहां पे मिल रहा था। पंच नाम है गाड़ी का, बट पंच मिल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग ठीक है, उठ रही है गाड़ी, उसके बाद गियर चेंज का तो चलो पता लगता ही है एएमटी में, बट क्या हो रहा है वो जो घूम 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 वो इंजन जो रैव की आवाज आती है ना बीच बीच में जब, तो वो कुछ ज्यादा है, मतलब थोड़ी सी मेरे को औरों के मुकाबले ज्यादा लगी है आवाज थोड़ी सी इसमें। हाँ वो चीज है, अगर इसको बिल्कुल ना ऐसे बेसिकली लोग इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका प्राइस रेंज कुछ इस हिसाब का है कि जैसे आप देखोगे जो स्टार्टिंग एएमटी है, मतलब जिनको देखने में थोड़ा बड़ी गाड़ी चाहिए ना, हाँ, और ऑटोमेटिक का मजा भी लेना है, तो वो बेसिकली इसके लिए जाएंगे, क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग प्राइस है 660,000 से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और ये जो टॉप वेरिएंट है ये 912 का है, मतलब ड्यूल टोन में 896 का, मतलब अगर ड्यूल टोन नहीं ले रहा तो कोई 896 एक्सशोरूम है। सो मतलब मेन पर्पज़ यही है कि भाई आपको अगर एएमटी चाहिए और एक आपको ऊंची दिखने वाली, मतलब पड़ोसियों को जलाना है वैसी वाली गाड़ी चाहिए, तो फिर मतलब ये आपको एक अच्छे रेट में गाड़ी मिल जाएगी ऑन रोड अगर आप लोगे, और थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। डिस्काउंट बिल्कुल मिल जाएगा, डिस्काउंट बिल्कुल कराएंगे आपका, डिस्काउंट कराएंगे। आप हमें मैसेज डाल देना हमारे इंस्टाग्राम पे, इंस्टा पे भी डाल देना, हाँ, CarQuest1 इंस्टाग्राम हैंडल है, तो जरूर कराएंगे। हाँ ठीक है भाई, बाकी बाइक चलाओ ना तो यार साइड में चलाया करो, एक लेन में ना, और हेलमेट भी पहनना चाहिए, हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। चलो बैक टू गाड़ी आ जाते हैं हम, नहीं तो किसी का चलान कट जाएगा। तो अब बिल्कुल अगर स्मूथ चलाओगे ना, बिल्कुल आराम से चलाओगे, फिर तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप हल्का सा भी ये सोचोगे ना कि भाई थोड़ी सी भी बगानी है, या किसी से आप ये सोचोगे कि एकदम से मेरे को ओवरटेक करनी है, हाँ, तो फिर आपको बड़ी ज्यादा ना इंजन की आवाज आएगी, और एकदम से मतलब आपको बड़ा ज्यादा फील होगा, जैसे चटका लगेगा एकदम से, जैसे कि यार अभी जैसे ये चेंज हुआ ना, तो एकदम से आपको फील होगा कि हाँ भाई चेंज हुआ है, ये एक इशू है। हाँ बाकी है तो यही एक, ये लगा लो कि है तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, उसी को ऑटोमेटेड किया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा। सो मेन चीज़ क्या है कि इस गाड़ी को ना मैंने लगभग लगातार, मैं बता देता हूँ कि लगातार मैंने ना इसको 160-170 किलोमीटर चलाया, करनाल से गुड़गांव जो है इस गाड़ी को चलाया और वापस आया फिर, ठीक है। तो इस गाड़ी के अंदर हाईवे पे आपको कुछ भी फील नहीं होगा। अभी हम हाईवे की तरफ ही जा रहे हैं, तो विनय भी बताएगा कि जब एक कॉन्स्टेंट पोजिशन पर जब आप चलने लगाते हो ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर आपके आगे कुछ ऐसी चीज़ आ गई जहाँ आपको ब्रेक मारना पड़ा, तो RPM डाउन होंगे और फिर उसके बाद गियर नीचे हो जाएंगे, फिर अगर मुझे किसी से ओवरटेक करना है ना, तो भाई बहुत सोच समझ के, मतलब बहुत सोच समझ के, मेरे को ज़्यादा टाइम चाहिए उसके लिए। हाँ अभी वही, जैसे मैं थोड़ा अभी हाईवे पे हूँ, रोड मतलब हाईवे नहीं है, मतलब खुला रोड है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं ना, एकदम जैसे थोड़ा सडन एक्सेलरेशन बंदा करता ही है, हाँ, तो वो चीज़ बिल्कुल यहाँ फील होगी, और इंजन की साउंड जो है ना वो आएगी। लेकिन जब आप एक चले जाएंगे ना कि एक स्पीड पे आपको चलना है, तो फिर वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और लोकल जैसे अगर आप कहीं शहर के अंदर ड्राइव कर रहे हैं, या ऐसी जगह कहीं आप चला रहे हैं, तो वहाँ मेरे हिसाब से बड़ा मज़ा आएगा इसको चलाते टाइम, वहाँ कोई इशू फील नहीं होगा। और पावर फिगर्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ही आपको AMT देखने को मिलेगा, तो ये जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करेगा 72 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 96 Nm का। ट्रांसमिशन भी एक बार क्लियर कर दूं कि इस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आपको मैनुअल और AMT मिलता है, और टर्बो के साथ में आपको मैनुअल और CVT देखने को मिलता है। और अब मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम थोड़े से ऑफ रोड पैच के ऊपर चल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ना, तो ऑफ रोड पैच पे मतलब पूरी कंप्लीट ऑफ रोडर तो आपको पता ही है भाई कि ये गाड़ी नहीं इतना कैपेबल हो सकती, बट हाँ इसके सस्पेंशन जो है ना वो ठीक लगे मुझे, जहाँ भी मतलब पोर्ट होल्स हैं, कुछ ज़्यादा पोर्ट होल्स हैं, या कुछ ज़्यादा टूटा हुआ रोड है, तो वहाँ पे ठीक थे सस्पेंशन, मतलब इतने बेकार नहीं थे, ठीक थे, मतलब काम चल जाएगा आपका, ज़्यादा अगर 5 लोग भी बैठे हैं, ज़्यादा अगर लगेज वगैरह भी ले रखा है, तो भी आपका काम चल जाएगा। सस्पेंशन जो है वो अच्छे ट्यून अप किए गए हैं। तेरे को कैसा लगे सस्पेंशन? सस्पेंशन ठीक है, और ओवरऑल ब्रेक वगैरह जो है वो भी ठीक है, ठीक लगी मुझे इसकी। हाँ
तो वो भी ठीक है, वो सब चीज़ें स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स जो है वो भी ठीक है, मतलब जिस सेगमेंट के हिसाब से गाड़ी है ठीक है, बस बार बार आपका ध्यान AMT की तरफ जाएगा जब वो सांस लेके गियर चेंज करता है ना तो, कैसे सांस लेता है भैया वो एक बार सांस लेगा फिर वो गियर चेंज कर देता है भाई तो, बिना के हिसाब से AMTs जो है वो सांस लेते हैं बीच बीच में तो फिर ये वो है। गियर चेंज करता है। एक चीज, हाँ मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा यार, मैंने ना कुछ लोगों की मैं मतलब वीडियो देख लेता हूँ तो वो लोग ना इसको AMT को बोलते हैं जुगाड़, जो कि मुझे बहुत बेकार चीज लगती है बोलना। मैं भाई सिंपल सी चीज़ है, एक इंजीनियर ने ना बड़ा सोच समझ के एक चीज़ बनाई है कि भाई कम पैसे में जिनको ऑटोमेटिक चलानी है, सिटी के लिए गाड़ी चाहिए ठीक है, ऑटोमेटिक ही चाहिए और पैसा भी कम लगाना है उनके लिए, यार एक अच्छा ट्रांसमिशन किसी इंजीनियर ने दिमाग लगा के ट्यून किया है। जुगाड़ बोलते रहते यार मैंने बात उसमें। हाँ मतलब ये भी है कि ऑटोमेटिक का मजा भी आ गया और कल को इनकेस कुछ ट्रांसमिशन वगैरह का कुछ काम भी होता है ना तो यार ये गोरो ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में ना सस्ता पड़ता है ये, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है। बेसिकली ये उनके ऐसा नहीं है कि भाई आप रेस लगानी है आपको एकदम से आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो ऐसा कुछ कर रहे हो तो उनके लिए तो नहीं है भाई ये ऐसा है कि जिसको आराम से चलानी है गाड़ी। और नॉर्मली जब बंदा खरीदता है मेरे हिसाब से जब ड्राइव करेगा तो नॉर्मली ड्राइव करता है, कभी एक आधी बार होता है कि भाई बंदा मजे में आ जाए और उसके लिए ये फिर मैनुअल वाला मोड है ही इसमें, थोड़ा सा हाईवे पे भी चला लेंगे ना ये मैनुअल वाला आप लगा के चलाओ कि भाई सेकंड में चलाना है। ये एक है कि भाई ये मैनुअल पे देखो मैं दिखा देता हूं यहां पे, ये देखो एम पे करके ये प्लस माइनस आप कर सकते हो। तो हाँ ये एक चीज है कि आप कुछ ज्यादा ही प्रो ड्राइविंग दिखाना चाह रहे हो और आपको एकदम से किसी को ओवरटेक करना है तो आप मैनुअल पे करके ना गियर छोटे हो जाते हैं फिर आप कर सकते हो। तो वैसे इसका जो AMT है वो 5-speed ही है ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना गियर जो है वो मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। इसकी वारंटी जो है वो बता देते हैं आपको, तो वारंटी जो है यहाँ पे 2 साल और 50,000 किलोमीटर की ही मिलती है सिर्फ। सो ये कॉन्फिडेंस है उनको अपने इंजन और चीज़ों के ऊपर या क्या है, मतलब ये 3 साल अनलिमिटेड पे पहुँच गए लोग, 3 साल 1 लाख, 3 साल अनलिमिटेड, ये निशान ने ऐसा क्यों किया है? ये निशान ही बता सकती है, ये चल रहे हैं अभी मोटरसाइकिल के हिसाब से मोटरसाइकिल ऐसे वारंटी देती है तो वारंटी जरूर यहाँ पे इंक्रीज करनी चाहिए ताकि बंदे को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस आता है, वैसे बंदा एक्सटेंड तो है करा ही सकता है उसको, लेकिन फिर भी एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है ना तो बंदे को एक कॉन्फिडेंस आता है एज अ कंज्यूमर कस्टमर अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा या तो आप कंपनी वैसे हो मारुति जैसे कि मारुति भी दे रही है कम, बट वो मारुति का फिर यार बात भी अलग हो जाती है ना, उसका लेवल अलग हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर वारंटी वगैरह ज़्यादा दे देंगे ना तो खुश हो जाएंगे थोड़े कंज्यूमर ना, मज़ा आ जाएगा उनको, अच्छा लगेगा, और तो कोई बात नहीं है। तो अभी हम फिलहाल हाईवे पे एंटर करने वाले हैं, करने क्या वाले हैं, हम कर गए हैं तो यहाँ पे हाईवे पर अभी ड्राइव देखते हैं विनय। लंबा सांस ले लिया इस बार इसने, बाकी TPMS भी है इसके अंदर तो अभी दिखा रहेगी, एक टायर में थोड़ी हवा को एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ये नहीं पता लग रहा कि वो कम है ज्यादा है कितनी है वो नहीं दिखा रहा है। एक बार उस ऊपर वाले बटन से या तो ओके कर पहले, हां अभी ऊपर वाले से कुछ करके नहीं, ये जो बुक वाला है ये यहां से कुछ एक दो बार और, एक बार और अब आएगा ये रहा, तो लो प्रेशर लो प्रेशर आ रहा है कि लेकिन इसको वो नहीं दिखा रहा कितने कम है, कितना लो है, कितना बार अभी प्रेशर है यहां पे वो नहीं दिखा रहा, कम है बस वो बता रहा है। तो इसको आप रीसेट भी कर सकते हो, अब अगर ओके दबा के रखेगा ना तो ये रीसेट हो जाएगा, ये कहेगा कि ठीक है भाई मुझे अभी इग्नोर करना है, रीसेट ये कर दिया उसने कर दिया ओके, तो हमने इग्नोर कर दिया फिलहाल के लिए इसको। तो अब हम हाईवे पे आ गए हैं और हाईवे पे क्या है, मैंने जो बताया था नॉर्मल अब ड्राइव जो है वो नॉर्मल सी हो जाएगी जब हम एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं। जब एक स्पीड पे चले जाएंगे फिर तो पता ही नहीं लगना कुछ, फिर तो आराम से चलता ही रहेगा, पर वो चीज़ तो देखो रहने वाली ही है कि AMT ट्रांसमिशन है तो भाई वो चीज़ तो रहेगी। अगर ट्रांसमिशन और बेहतर होता तो फिर प्राइस भी ये नहीं होता, फिर प्राइस भी उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ता। हमने ना ऑटोमोबाइल में मतलब ऑटोमोबाइल में क्या होता है कि जब कोई सेल्स की ट्रेनिंग होती है कुछ होता है ना तो प्रोफाइल बताते हैं कस्टमर की प्रोफाइल, तो एक कस्टमर प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ इन्हें मैं कि ये गाड़ी है किन के लिए, ये है भाई मिस्टर दिनेश के लिए जो भाई सुबह से शाम तक जो है वो ऑफिस में जाता है बेचारा ठीक है, और वो गुड़गांव दिल्ली के ट्रैफिक के अंदर से जाता है, मैक्सिमम टाइम उसकी गाड़ी जो है वो 20-30 की स्पीड में ऐसे रेंगती है
ठीक है, और उसको बहुत सुकून भरी, मतलब वो AMT एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए। उसका बजट जो है वो 7-8-9, मतलब वेरिएंट के हिसाब से, अगर 7 लाख है तो बेस वेरिएंट, 8 है तो उससे ऊपर वाला, 9 है तो उससे ऊपर वाला, और 10 है तो ये वाला, तो उस हिसाब से जो है वो उसको गाड़ी चाहिए। तो भाई उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर दिनेश खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा दिनेश, तो खुश होना पड़ेगा इस पैसे में, क्योंकि उसको बड़ी भी गाड़ी मिल रही है, ठीक है। और यार अंदर पीछे भी स्पेस ना, मतलब ठीक है, क्योंकि व्हील बेस भी इसका अच्छा है, 2500 mm का व्हील बेस है, ठीक है, तो व्हील बेस भी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल जो भूपिंदर भाई ने बताया ना, यही कस्टमर प्रोफाइल है, और भाई आगे बड़ा तगड़ा जाम लगा हुआ है, तो ऐसे जाम के लिए ये बनी हुई है, ताकि आपको बार बार ना गियर चेंज ना करना पड़े। पर हमारे लिए अच्छी बात है कि हम इधर से, हमें तो अंदर ही जाना है भाई, ये हमारी शहर है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं हमें। तो ये कुछ ऐसे, ये बंदे भाई आगे ना जाम भी नहीं होगा, फिर भी ना भाई साहब आगे बीच में कुछ जाम भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग ना वापस घूम के आगे, आगे कोई इतना जाम नहीं होता। ये देखो ये वापस आ रहे हैं ना, जो ये दिक्कत कर देंगे अभी यहाँ पे, और ये अब इधर से जा रहे हैं यार, हमारे गाँव से जाएंगे, गाँव में दिक्कत कर, गाँव में दिक्कत करेंगे अभी। सो भाई, और एक काम और नहीं करना, वो देखो सामने में एक दिखाता हूँ चीज ना, भागती नहीं हमारी इतनी तेज, दिखाता हूँ। वो देखो यार, वो ना बच्चों को सनरूफ से ना बाहर निकाल रखा है, तो सनरूफ वाली गाड़ी तो ले लो, पर बच्चों को बाहर ना निकालो यार, तो ये बड़ी गलत बात है। और इससे याद आया कि निसान मैग्नाइट के टॉप वेरिएंट में भी सनरूफ नहीं है। चलो कोई जरूरी भी पंच में आ गई, पंच में है, पंच के अंदर सनरूफ एक्स्टर में है, सेगमेंट के हिसाब से है, पर वो लेंथ वाइज जब देखोगे ना, तो लेंथ वाइज वो इससे छोटी है गाड़ियां। ये तो ना थोड़ी स्पेसियस तो है, और बल्कि सी तो है, दिखती है, मतलब वहाँ भी गाड़ी में कुछ, खड़ी गाड़ी में ना मतलब दम सा लगता है, खड़ी गाड़ी में तो दम लगता है भाई। वो लगता है। तो सेगमेंट की जो बात कर रहे हैं, तो ना मेन तो इसके जो कॉम्पिटिटर है वो पंच है, और इसके अलावा इसी का काइगर, इसी की बहन जो है, ठीक है, रेनॉल्ट काइगर है, उसके अलावा एक्स्टर है, ये तो हो गए इसके कोर कॉम्पिटिटर। वैसे कंपैरिजन ये नेक्सॉन और इन सब के साथ भी, नेक्सॉन का बेस वेरिएंट आ जाएगा, तो फिर वहाँ कंपैरिजन आ जाएगा टियागो वियागो के साथ, या नहीं उसके साथ भी एक कर लेते हैं कंपेयर, जैसे कोई ग्रैंड आइटन नियोस ले रहा है। हाँ, तो मतलब बंदा जब पैसे के, एक होता है कि बंदा सेगमेंट के हिसाब से देख रहा है, एक बंदा देख रहा है पैसे के हिसाब से कि मैं 9 लाख लगा रहा हूँ, 8 लाख लगा रहा हूँ, जो कि अपने यहाँ बहुत नॉर्मल है। हाँ, जो नॉर्मल है, तो उस सेगमेंट में बंदा बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि इस पैसे में आपको ना एक हैचबैक, अगर आप देखोगे ना तो एक हैचबैक मिलती है इस पैसे में, ठीक है, और यहाँ ये आपको मिल जाएगी जो एक SUV वाला फील देगी, ठीक है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है आपको, तो ये सबसे अच्छी चीज है, अच्छी बात है ये कि कहीं आप चला रहे हो तो बड़ी सारी ऐसी गाड़ी हैं जिनकी इतनी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलती, तो वहाँ आपको अच्छा ये ऑफर ऑप्शन करती है, तो ये अच्छी बात है। बाकी म्यूजिक सिस्टम है 8 इंच का, अधिक जानकारी भूपिंदर भाई, और वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम तो दिया हुआ है अच्छा, बट हाँ आपको जो स्पीकर्स हैं वो थोड़े से अपग्रेड कराने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो साउंड क्वालिटी है ना वो उस लेवल की नहीं है। वो 4 स्पीकर 2 ट्विटर मिलते हैं इसके अंदर, वो लेकिन वो कंपोनेंट मतलब इतने अच्छे नहीं है स्पीकर जो है ना, तो वो थोड़ा सा आपको हो सकता है, अगर आप म्यूजिक के वो, अगर मिस्टर दिनेश को म्यूजिक लगवाना हुआ तो वो पैसा खर्च करना पड़ेगा, फिर वो लगाना पड़ेगा थोड़ा पैसा। वो लगाना पड़ेगा। तो भाई ये हमारा एक ड्राइव रिव्यू था। बाकी AC भी ठीक है, AC अच्छा, कूलिंग भी ठीक लगी, क्योंकि इससे पहले जो गाड़ी हमारे पास आई थी वो थी टर्बो हालांकि, लेकिन हमारे पास 3-4 महीने थी, बहुत लंबे टाइम तक थी, और वो उसमें हम बहुत घूमे भाई, बहुत चलाई वो गाड़ी हमने, उसका भी AC अच्छा था, ये भी जिस दिन से यूज़ कर रहे हैं AC ठीक है इसका भी। और बता कोई चीज, बस यही था, बाकी सीट्स वगैरह जो है वो ठीक लगी मुझे, वो अच्छी चीज। एक चीज और, मैं वॉक अराउंड जब बना रहे थे तब मैंने देखा था कि इसके रियर जो फ्लोर है वो बिल्कुल फ्लैट है, सेंटर में हल्का सा हंप है, ठीक है, बिल्कुल, बाकी ठीक है, स्पेस मिल जाता है अंदर, तो स्पेस के हिसाब से अच्छी है गाड़ी। फीचर्स इस टॉप वेरिएंट में ठीक है, मतलब वाजिब है, जितनी जरूरत होती है उतने हैं, ठीक है, उस हिसाब से। इसका XL जो वेरिएंट आता है ना भाई, उसका भी हमने एक वॉक अराउंड डाला हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हो, उसमें वो सबसे वैल्यू फॉर मनी लगता है XL, उसमें भाई सब कुछ ही है, सब कुछ है उसमें, तो अच्छा एक वेरिएंट वो मेरे को हमेशा मतलब लगता है XL। तो उसका AMT जो है वो भी आप एक बार कंसिडर कर सकते हो। फिर भी हम जो AMT के जो प्राइजेज हैं, सिर्फ जो AMT के प्राइजेज हैं इसके, वो सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे शोरूम प्राइजेज हैं, ऑन रोड कैलकुलेट कर लेना अपने स्टेट के रजिस्ट्रेशन टैक्स के हिसाब से,
तो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और आपके लिए कौन सा वाजिब है वो आप हमें बता देना। तो भाई कंफर्ट अच्छा है, इंजन जो है वो किफ़ायती सा इंजन है। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता, अभी शायद इसमें दिखेगा नहीं वो, जिस जब मैं लेके आया ना इसको गाड़ी को गुड़गांव से वापस आ रहा था, तो मैंने इस पे इन्हें क्लस्टर में जो देखी, मतलब मैंने भाई इसका अभी तक हमने माइलेज कोई टेस्ट नहीं किया है, देखो मैं बता दूं क्लस्टर में 22.3 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दिखा रहा था ये पूरा टाइम, ये ग्रीन वाला ही। ओके करें एक बार, ये जो अभी 13.6 दिखा रहा है ना जो ये वाला, ओके। तो यहाँ पे लंबे रूट में, मतलब मेरे को क्योंकि एक कॉन्स्टेंट स्पीड में चल रहा था और मैंने 90 की स्पीड ही चलाई भाई, नॉर्मल चलाई, और एसी नहीं चल रहा था, ये भी बता दूं मैं कि एसी नहीं चल रहा था, एसी के बिना है वो। तो वहाँ पे 22.34 की एवरेज जो है ये गाड़ी दिखा रही थी, कम भी कर लो यार फिर भी इक्कीस की तो दे ही रही होगी, है ना, इतनी इतना ही फर्क आएगा या थोड़ा ज़्यादा फर्क आ सकता है? 22 की दिखा रही थी, हाँ मतलब 22 कुछ की दिखा रही थी, देनी चाहिए आपको 18-19 के आसपास, तो एक लीटर का इंजन है यार, तीन सिलेंडर इंजन है किफायती सा, और हाईवे पे आराम से सीधी सीधी चल के आई गाड़ी, तो इतना हाईवे पे तो दे रहा था भाई, हाईवे पे तो मिल जाएगी, हाईवे पर तो दी इसने माइलेज अच्छी। बाकी ओवरऑल ठीक है, आपको लाइट वगैरह जो है वो भी सारा एलईडी मिल जाता है, तो लाइट का थ्रो वगैरह जो है वो भी आपको यहाँ ठीक मिल रहा है, ये भी ठीक है। तो कुछ एक जगह तो आपको कंप्रोमाइज देखो करना पड़ेगा, और कुछ एक बड़ी सारी अच्छी चीजें भी आपको मिलती है इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से तो अगर आप इस प्राइस रेंज के अंदर देख रहे हो ना, तो आप बिल्कुल एक बार कंसीडर कर सकते हो इस गाड़ी को। हाँ, और निसान के पास देखो भाई यही गाड़ी है अभी फिलहाल, एक मैग्नाइट ही है, इसी के साथ नए नए कलर्स भी आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें कलर्स वगैरह मैंने बता दिया आपको, वॉक अराउंड में देख लेना, अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको निसान मैग्नाइट कैसा लगती है। अगर आपके पास है और आपने ड्राइव किया या फिर और आप भी कोई प्लान कर रहे हैं लेने का, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर लेना हमारे साथ, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना। जो बंदे बिल्कुल स्मूथ चलाते हैं ना, तो वो जरूर एक बार कंसीडर करना, जो थोड़ा भगाते हैं तो उनको शायद बेशक से ना करना भाई, उनको थोड़ा हो सकता है कि वो पैपी और वो मतलब मजा सा ना आए उस चीज में, ठीक है, तो करें फिर फिनिश। बिल्कुल, तो भाई ये था हमारा ड्राइव रिव्यू, और इस गाड़ी को, ये है गाड़ी निसान मैग्नाइट AMT ट्रांसमिशन 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, ठीक है। सो विनय कर दे भाई, ओके चलो जी, बाय बाय, सीट बेल्ट जरूर लगाया करो दोस्तों, तब तक के लिए आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय जय।